तो दोस्तों आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल और फैशन निष्ठा ब्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं बदलापुर महोत्सव, जो कि 7 नवंबर से शुरू हो रहा है, 9 नवंबर तक चलने वाला है बदलापुर महोत्सव। तो बदलापुर महोत्सव 7 नवंबर जैसे शादी समारोह है, मुख्यमंत्री शादी समारोह जो कि 551 कन्याओं का शादी कराया गया था, मतलब 501 जोड़ों का शादी कराया गया है। उसी के बीच में यहाँ के अपने बदलापुर और जौनपुर की सबसे मशहूर कलाकार, जिनके गाने कई प्रदेशों में भी सुने जाते हैं, मौजूद है वंदना दुबे जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और कुछ उनके बारे में जानते हैं और यहाँ पे कौन सा गाना गाने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए लिए जाए मैम ले। तो आज हमारे बीच में है वंदना दुबे जी, जो कि खुटहन की हैं और उनका साहित्यिक स्टूडियो घनश्यामपुर में है, और आज उन्हीं से हम इंटरव्यू लेते हैं और उनके जानते हैं आज कौन सा गाना यहाँ पे रखी है गाने के लिए, और इनके बीच में कैसी परिस्थितियाँ रही हैं, क्या क्या इनको कठिनाइयाँ आई हैं, वो सब भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम आप सभी को। तो आज आपको बदलापुर महोत्सव में बुलाया गया, आज नहीं इसके पहले भी महोत्सव हुआ था वो भी बुलाया गया था, तो आप रमेश मिश्रा जो कि यहाँ के विधायक जी हैं, लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही जो अच्छा काम करेगा वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा और आगे समाज सेवा करते रहेगा। तो हम यही चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे विधायक जी उन्नति करें, विकास करें और आगे बढ़ते रहें, और हम सबके सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रमेश मिश्रा जी को, विधायक को दिल से धन्यवाद। आपने जब ये शुरुआत की थी, मतलब आप जो गाना गाते हैं वो सुपर से हिट होते हैं, वायरल गाने रहते हैं, आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत ऐसे ही मन में आया कि हम भी चैनल खोलें, ऐसे ही खोल दिए और चैनल मैंने बनाया, गीत गाया तो जनता का प्यार मिलने लगा, बस यहीं से शुरुआत है। अच्छा, आपको जब कोई भी तकलीफ होती थी तो आप, मैम आपको जब कोई तकलीफ होती थी तो आप की मदद सबसे ज़्यादा कौन करता था यहाँ पे शुरुआती में, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है क्रिएटर बनने में? मतलब चैनल बनाने में, नहीं चैनल बनाने में, गाना गाने में, जब कोई लोग डिमोटिवेट भी करते होंगे कि अरे सब मत करो शादी होगी, क्योंकि आपने शादी के बाद ही ये सब करना शुरू किया था कि शादी से पहले भी आप करते थे? जी भैया, मैं शादी के बाद ही की, अभी तो मुझे 1.5 साल हुआ, 2 साल अभी। अच्छा, आपके आपके ऊपर जो आपने कामयाबी है उनमें आपके पति कितना मदद किए हैं? फुल सपोर्ट है भैया, पति का फुल सपोर्ट है। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं, कौन सा गाना गाएंगे? मैं गाना गा चुकी हूँ, शादी में मुझे बुलाया गया था, हमारे विधायक जी बुलाए थे शादी में गीत गाने के लिए, तो मैंने गीत गाया है। कौन सा गीत गाया है एक बार हमारे दर्शकों को भी आप सुना दीजिए। एक एक शादी में जो गाया जाता है कि अध्यक्ष जी, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज बदलापुर महोत्सव के इस समय हमारे मंच पर हमारे एक मिनट अभी सोच रही हैं, सोच के गाना गीत गा रही हैं आप लोग के लिए। कि बेरिया की बेर तोहका बरा जे बाबाईया यार झा झा रामाड़ा जिन छवाओ हाँ सीताराम से भजो अरे झा झा रामाड़ा जिन छवाओ हाँ सीताराम से भजो झझरे मड़ौआ लगे सोरा जो के ज्योतिया हो झझरे मड़ौआ लगे सोरा जो के ज्योतिया अरे गोरी बदन को मिलाई हाँ सीताराम से भजो। अच्छा मैम, आप यहाँ पे 3 दिन हैं जी, 7, 8, 9 तीनों दिन रहने वाली हैं, और कोई और एक गाना अपना सुना दीजिए। एक गाना गाई थी मैं पंडित जी के ऊपर, गारी गीत है, पंडित जी हम भी हैं और आप भी। हाँ, जो पंडित शादी करवाते हैं, मतलब चुटकुला टाइप गीत है, पारंपरिक गीत है कि गीत कैसे पंडित कि तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित भया, तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित भया, बन बन में तू तो गैया चराया, बन बन में तू तो गैया चराया, अरे की हाया हिरवा के का
कासाले पंडित भया रे की हाया हीरवा के का कासाले पंडित भया। अच्छा, जैसे आपने पंडित जी के ऊपर गाना गाया, तो ये जो गाना गाया मुझे थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा बहुत लोग को कम समझ में आएगा। इनके जो सही में वाक्य बनते हैं, आपने किसके ऊपर किस लिए गाना गाया थोड़ा बता दीजिए। ये पंडित जी के ऊपर जैसे गाली गीत है, जैसे शादी विवाह में गाया जाता है, जब ये मतलब वेद पढ़ते हैं तो जैसे लेट होता है शादी का, मतलब शादी करवाने में लेट होता है, तो वैसे मतलब लोग गीत गाते हैं कहें देर की है कहें देर की है, जिसे मतलब पंडित के ऊपर लगा के, तो उसी मतलब तर्ज पे गीत है। और ये जो है आयरन हो वाला, वो क्या मतलब है? अभी आपने कुछ लिया था जैसे मैंने एक काम कि बन मंदिल मंदिल माला तो बेचाया रे की हाँ मालियावा के काम का साले पंडित भया। समझ गया। कहने का मतलब ये है, ये मालिक ऊपर भी है, यादव के ऊपर भी है, और गडेरिया के ऊपर भी है, मतलब आप ये सब काम किए हो, जब आता नहीं तो क्यों पंडित बन गए, इसका अर्थ यही है। इसका मतलब जो नए नए पंडित बनते हैं और उनको शादी कराने में लेट कर देते, खास उनके लिए गाना है, जाके सुन लीजिएगा, चैनल पे अपलोड होगा वहाँ पे सुन लीजिएगा। तो आप हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपना प्यार दुलार दीजिए, इनको भी आगे बढ़ाइए। तो आप लोग हमें हमारे चैनल पे इतना समय दिए, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में और एक नए कलाकार के साथ।